राचा साहब, अहमद इकबाल साहब ने एक सवाल उठाया था, उस पर ज़रा आप रहनुमाई फरमा दें। उन्होंने कहा था कि जमात इस्लामी को अब याद आया है कि ये पावर प्लांट्स के ये महंगे एग्रीमेंट्स हुए हुए हैं। इस सवाल को ज़रा रीफ्रेज कर लेते हैं कि अभी पीछे सिराजुल हक साहब का दौर था, सिराजुल हक साहब के दौर में आपने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, आप एनजीओस की तरह खानापूरी होती रही कि आज उस शहर में प्रोटेस्ट हो रहा है, आज उस शहर में हो रहा है। हो जाता था तो अखबार में दो कालमी खबर से पता चल जाता था कि एक प्रोटेस्ट हुआ है। अब अचानक जुलाई की गर्मी में आपने इतना बड़ा स्टेप ले लिया सर, इसकी वजह बिजली ही है या पसे पर्दा कुछ और वजूहत भी हैं? कोई पसे पर्दा नहीं है जी, बड़ा वाजे सी बात है। असल बात यह थी कि जी इस मामले पे हम हमेशा उठाते रहे हैं। यह मामला आईपीपीस का मामला कौमी असेंबली में आपको तो याद होगा, हमने तो कौमी असेंबलियों में उठाया था। हमने तो हमेशा ये कहा कि यह मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ है, ये गद्दारी है, गद्दारी है जो जिन्होंने ये माहदे किए हैं, जिन अफसरों ने इनकी इनकी मंजूरी दी है, जिनका जिन्होंने इस सारे मामले में पैसे लिए हैं, जो अब भी ले रहे हैं, कौम को माफ करने के लिए तैयार नहीं है। जिनके नाम पर लिए गए वो तो वापस चले गए और उनके उन्होंने इनको बेच दिए डॉलरों के अंदर। ये हमसे ले रहे हैं किस बात के ले रहे हैं? यानी हम इस यहाँ के रहने वाले हैं, इन्हें कोई तरस नहीं आता इस कौम पर, और इस पर मुसलसल ये इस कौम को ज़िवा करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमारे अस्पताल बनने थे, हमारी मईशत मुस्तकम होनी थी। हम IMF से पैसे लेकर इनको दे रहे हैं और इसी तरह से पेट्रोल और जो इनकी गाड़ियां हैं 90,000 गाड़ियां हैं। कौन सी आईने पाकिस्तान का आर्टिकल है जो ये कहता है कि जी जो भी सरकारी अफसर हो या ब्यूरोक्रेट हो या इस्टेब्लिशमेंट का हो या जुडिशरी का हो, उसको आप जो है मुफ्त गाड़ी पेट्रोल दें, मुफ्त गाड़ी भी दें, सब कुछ दें, और ऐसी ऐसी गाड़ियां दें कि जो एक लीटर के अंदर 3 किलोमीटर चलती हैं और देते चले जाएं, इम्पोर्ट करके दें। अरे आसम महमूद साहब को देखेंगे, जुल्म है इन लोगों ने और कोई इन्हें तरस नहीं आ रहा। यानी अब भी हमें कह रहे हैं कि जी आपको अवामी मसाइल याद आ गए। भाई अवामी मसाइल आप लोगों को जब इतनी तकलीफ देते हैं, हर घर में धरना मौजूद है, हर घर में जहां चूल्हे सर्द है वहां धरना मौजूद है, 17 सेंट पर आप बिजली दे रहे हैं जबकि भारत में ये 6 सेंट पे है, बांग्लादेश में 8.5 सेंट पे है, तो कौन ने इंडस्ट्री यहाँ पर मुकाबला करेगी? ठीक है, किस तरह से होगा? लोग यहाँ से अपने प्लांट लेके या अपने पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है। यानी सिर्फ इनको अपने केसेस खत्म करवाने पे, अपने मोहल्लात शाही के तहफ्फुज़ पे और इस बात पे कि इनको कितना कुछ मफाद मिलता है, इसके अलावा इनकी कोई तरजीह नहीं है।